everyone, I'm Fezi Khan and hello from Kota. और यहाँ पर जनरली मैं शोज़ वगैरह के लिए आती हूँ या फिर घूमने के लिए आती हूँ, रन के लिए आती हूँ या फिर राम लड्डू खाने के लिए आती हूँ, गोल गप्पे खाने आती हूँ और खूब सारा खाना खाने के लिए आती हूँ। पर यहाँ पे इस वक्त मैं एक अलग वजह से आई हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हूँ। तो हमारे जो बहुत करीबी दोस्त हैं अमान इमाम गाजी, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं और वो वैसे दोस्त हैं जिन्होंने, जो आपका ऐसा वक्त होता है कि आपको दोस्तों की मदद चाहिए होती है टैलेंट की, उसमें तो उन्होंने बहुत मदद की है। उन्होंने मेरा विजिटिंग कार्ड, लाइफ का पहला विजिटिंग कार्ड, अपनी कैलीग्राफी के टैलेंट से उन्होंने वो डिज़ाइन किया है। उन्होंने मेरी पहली किताब का जो कवर है उन्होंने वो डिज़ाइन किया है। उन्होंने मेरी कंपनी का लोगो डिज़ाइन किया है। और मुझे याद है मैंने जब 2-3 साल पहले जब ये शुरू किया था, मैंने ये कहा था कि अमान मेरा ना बजट नहीं है, पर इतना है कि वी गेटिंग पेड एटलीस्ट कि कुछ तो हो, क्योंकि फ्री में तो नहीं चाहिए। और मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट से जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है ना यार फ्री में कर दे यार, तो दोस्त है ना यार, लोगों ही तो बनाना है ना यार, ठीक है ना यार, हो जाएगा, तो वो चीज़ गलत बात होती। तो फिर मैंने अमान को तब भी बोला था कि देखो अभी जो है ना थोड़े से फंड्स नहीं हैं तो अभी कर देते हैं, पर इतना है कि तुम्हें पेमेंट ज़रूर मिलेगा। और उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, जो भी मेरा विजिटिंग कार्ड देखता है ना वो यही बोलता है कि हमें कैलीग्राफी का काम और विजिटिंग कार्ड बनवाने वाला चीज़ है ना अमान से ही कराना है। तो आई ऑल्सो मैंशन इज वर्क लिंक हेयर। तो अभी मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब वो इतने बिजी रहते हैं कि इतना ट्रैवल करते हैं कि दिल्ली उनका आना होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली से उनका लगाव जो है छूटने वाला है, जो कि मुझे मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाती कि दिल्ली से गुड़गांव से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कल जाने वाले हैं। आज मेरा दिन बहुत बिजी था, पर मुझे लगा कि नहीं, मेरा दोस्त जाने वाला है और उनसे इतनी सारी बातें करनी है, खूब सारे प्रोजेक्ट्स की बातें करनी है और थोड़ी पिचिंग भी करनी है, तो मतलब इतनी अहम चीज़ें करनी है। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें शफल की कि नहीं अमान से मिलना है और उनसे खूब सारी बातें करनी है, क्योंकि होता है ना कि आजकल ना कभी भी किसी भी टाइम का ना पता नहीं होता कि आप किसी इंसान से नेक्स्ट टाइम आप कब मिलेंगे। कुछ भी हो जाता है ना लाइफ में, कोविड के बाद ना लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है ना, कुछ भी हो रहा है मूड आके। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, सारी चीज़ों को मैं साइड में रखूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊँ। तो अब मैं यहाँ पे मिलने आई हूँ बस। तो यही बात करना था कि आपके पास ज़िंदगी में अगर ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप खूब सारी बातें कर सकते हैं, जो बुरे वक्त में या फिर जो थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम होता है वो आपके साथ में आते हैं, तो उन दोस्तों को आप अपने पास रखिए। और अगर उनसे मिलने का आधे घंटे का भी मौका मिल रहा है ना, तो चीज़ें साइड में रख दीजिए, सारी चीज़ें होती रहेंगी। दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त और ऐसे अजीज दोस्तों के साथ बिताया हुआ वक्त वो वापस नहीं आता। तो अभी वीडियो ना ओवर करते हैं, क्योंकि मुझे अमान के साथ बैठ के बहुत पिचिंग करनी है चाय के ऊपर। तो अभी हम जाने वाले हैं जिप्सी कैफे और वहाँ पे हम लेंगे चाय, वो भी बालकनी में बैठ के, जब साइड में जो है ना जैमिंग सेशन हो रहा हो। तो चलिए, चीयर्स टू ऑल योर फ्रेंड्स, चीयर्स टू ऑल द फ्रेंडशिप्स एंड टेक केयर, एंजॉय लाइफ, बाय।